नमस्कार, सलाम आदाब साथियों, मेरा नाम है अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम किट में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप हल्का नंबर कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रही है, प्रपत्र 2 है, भूमि सर्वे को लेकर के ये प्रपत्र भरा जा रहा है, जहाँ पर हल्का नंबर की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ हल्का नंबर, या फिर अन्य काम में भी आपको इसके अलावा जरूरत पड़ सकता है। लेकिन हल्का नंबर आपको पता नहीं है कैसे निकालेंगे, आपके रसीद में भी लिखा हुआ नहीं रहता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। हल्का नंबर होता क्या है? देखिए, हल्का नंबर कर्मचारी का नंबर होता है, या यूँ कहे कि पंचायत का नंबर होता है। मतलब एक पंचायत है तो एक हल्का नंबर होता है, लेकिन अगर पंचायत में आबादी ज़्यादा है तो कभी कभी दो हल्का भी होता है। तो प्राय क्या होता है, जो भी पंचायत का नाम है वो हल्का नाम होगी। अब नंबर क्या होता है, तो हम चलते हैं वेबसाइट में, वहाँ से आपको हम बताते हैं कि कैसे निकलेगा, या फिर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब हम अपना किसी ज़मीन के दाखिल खारिज के लिए क्या कर रहे थे, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर मेरा दिमाग में आया कि अरे यहाँ तो बताना चाहिए, सब परेशान होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब डिवीज़न हुआ, अनुमंडल जिसको बोलते हैं, सर्किल, और यहाँ पे मौजा। मौजा जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्या आता, हल्का आता है। तो हल्का में क्या है, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ, यहाँ पर क्या है, पंचायत का नाम है। अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी सर्वे में भी काम आपका आ रहा है, तो सर्वे में क्या करना है, अगर आपको हल्का नंबर पता नहीं है तो कुछ नहीं करना है, अपना पंचायत नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि हम लिखे वो दिखा भी देते हैं। उसके बाद हल्का नंबर अगर आप जानना चाह रहे हैं तो कर्मचारी से राइट पूछ करके अब निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन निकालने का भी कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है, ना ही रसीद में दिखता है, ना कहीं। हल्का नेम सिर्फ शो होता है, जो कि यहाँ पर पंचायत का नाम है। रेयर केस में है, जो बड़ा पंचायत है वहाँ पर दो हल्का होता है, लेकिन ऐसा एक्सेप्शन केस में है। ठीक है, तो हम प्रपत्र में दिखा देते हैं आप करेंगे क्या, हल्का के जगह क्या करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, हम ही खुद यहाँ पर क्या किए हैं, हल्का के जगह अपना पंचायत का नाम लिख दिए हैं, हल्का नंबर छोड़ दिए हैं। जैसे ही वो मौजा देखेंगे, ठीक है, उसके आधार पर जो कर्मी रहेंगे उसको, उसके पास लिस्ट रहता है, वो यहाँ पर हल्का नंबर फिल कर देंगे, और बाकी डिटेल्स यहाँ पर है। तो यदि जानकारी, हल्का नंबर पंचायत का नाम होता है, एक हल्का के अंतर्गत बहुत सारे गांव दिया आता है, मतलब हल्का कर्मचारी नाम से क्यों बोला जाता है, हल्का के आधार पर ही। ठीक है, तो यदि जानकारी, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो उनको बताएं। लेकिन आप सब शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं, कृपया आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कम से कम ये तो लिखें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाएँ, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।